तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का। हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुधीर जी और अजय जी आपको दी थी, वही चीज हम यहाँ पे कंफर्म करने जा रहे हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो आप प्रोग्रामिंग आधी प्रोग्रामिंग समझिए कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक, मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहां से मुझे डेटा डाउनलोड करके लाना पड़ता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा को डाउनलोड नहीं करता है, एडिट करता है, हमें वो मतलब एक्सेल फाइल वो नहीं बना पाता है, एक्सेल फाइल में डेटा को पेस्ट करता है, समझे? तो डाउनलोड करने से पहले मुझे एक लोकेशन में उसका एक्सेल फाइल देना होता है। जैसे जी ड्राइव में मान लीजिए 2022 है हमारा, तो मुझे 2022 के फोल्डर के अंदर में इसके अंदर महीना कौन चल रहा है, जनवरी है, यहाँ पे वन नंबर फोल्डर में इसके अंदर आज आज डेट क्या है, आज डेट है मेरे पास 3, तो यहाँ पे एक 3 नंबर का फोल्डर देना होगा, अगर है तो ठीक है बना बना दे। उसी तरीके से इसके नंबर जाके फिर वो 3 डॉट यहाँ पे 3 डॉट xls फाइल होगी, तो जाके फिर इस फाइल में डेटा को डाउनलोड कर देगा। अब क्या है कि मुझे ऐसा माइक्रो बनाना है, इसको रन करो तो मेरे जी ड्राइव में चेक करे कि 2022 का फोल्डर है या नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो इसके अंदर उसको क्रिएट कर दे। फिर 2022 को ओपन करेगा, चेक करेगा कि महीना कौन सा चल रहा है, महीना चल रहा है हमारा जनवरी, तो क्या जनवरी का फोल्डर है नहीं, जनवरी का फोल्डर है तो ठीक है अदरवाइज उसको क्रिएट कर देगा। फिर जनवरी के अंदर चेक करेगा कि आज का डेट कौन सा है, 3 तारीख, 3 तारीख का फोल्डर है या नहीं, है तो एडिट कर देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर, समझ में आ गया आपको? मुझे करना है, एक बार मैं फोल्डर डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए हम चलिए वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक्सेल पे आते हैं, किसी भी एक फाइल पे आइए और यहाँ डेवलपर विजुअल बेसिक और हम इस बुक वन के अंदर इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं क्योंकि हम प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में लिखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं आरआर या जो भी आपका फर्स्ट, हम यहाँ पे दिया FIRST फर्स्ट प्रोजेक्ट, म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, प्लीज। तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि मेरा जो ए है, जो सिस्टम डेट है, वो सिस्टम डेट यहां पे कैसे आएगा? देखिए एक फॉर्मूला होता है डेट का, जैसे कि एक्सेल में आप आइए तो एक्सेल में क्या होता है, यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला होता है। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, हर दिन चेंज होता रहता है, ऐसे आपका वीवीए में डेट फॉर्मूला होता है। लेकिन मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से 2022, तो एक्सेल में ईयर फॉर्मूला होता है ना सर, ईयर फॉर्मूला क्या करता है, इस डेट में से 2022 को एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहां भी आप ईयर और यहां पे डेट कर दीजिए, बट ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 2022 स्टोर हो रही है B34 में, राइट? जी, B34 एक सोयल है, बट यहां पे कुछ ऐसा तो नहीं है ना ये स्टोर करेगा वो, जी। तो फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूला रिजल्ट देगा किसको, तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा, वाई, मतलब कि टेम्परली सेविंग लोकेशन, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग करते थे ना, XYZ लेते थे, ABC लेते थे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे Y ले लिया, मतलब जो 2022 है वो Y पे स्टोर हो गया। अब मुझे जहां भी 2022 चाहिए होगा हम Y को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे M इक्वल टू दे दिया मंथ और इसमें दे देते हैं हम डेट, फिर यहाँ पे D इक्वल टू हमने कर दिया डे और फिर इसके अंदर में हम ईयर डेट दे देते हैं, इसमें से डे अलग हो जाएगा। मतलब कि हमने 3 फॉर्मूले बनाए, ईयर, मंथ और डे,
जो कि सिस्टम डेट से ईयर को, मंथ को, डेट को अलग करके इन वेरिएबल पे स्टोर कर देता है। तो सुधीर जी, राजेश जी, समझ में आ गया ये चीज़? सर समझ में आ गया। राजेश जी आपको आया? सर थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे सर, ईयर मंथ वाला। एक क्या है ना कि एक वीवीए में एक फॉर्मूला होता है डेट का। जी जी जी। वो क्या करता है, आपका सिस्टम डेट दिखा दे देता है, जैसे कि एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला होता है। जी जी जी। अब मुझे उस डेट में से ईयर 2022 अलग करना है। मुझे एक्सेल में होता है ईयर का फॉर्मूला, जो होता है ईयर के अंदर डेट डालेंगे तो ईयर अलग करता है। जी जी। सेम चीज यहाँ, ईयर यहाँ भी ईयर चल जाता है। ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम है कि तो फॉर्मूला है, इसको तो रिजल्ट सेव करने का जगह चाहिए ना सर। जी जी। अब एक्सेल पे लगाया था, एक सेल दिया था ना आपने? हाँ जी, सेल दिया था सर। ना बोलूंगा किसी सेल पे लगाना, ऐसे लगा दो तो ऐसे कहाँ लगाएगा वो? तो लोकेशन चाहिए इसको। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ भी लोकेशन चाहिए इसको सेव करने का डेटा। तो जी, लोकेशन जी। मैंने यहाँ पे वाई दे दिया। जी, वाई क्या हो गया? टेम्पररी सेविंग लोकेशन। जी, ऐसे आपका मंथ हो गया, ऐसे आपका डे हो गया। जी जी। तो मुझे जहां पे मंथ डे ईयर चाहिए वहां पे वाई एम डी हम ले लेंगे। ठीक है सर। अब बात करते हैं फोल्डर। देखिए एक्सेल में फोल्डर मतलब बीवीए के थ्रू फोल्डर लगाने के लिए एक कमांड होता है mkdir डायरेक्टरी, याद करने के लिए सही रहेगा। ठीक है जी सर। अब mkdir को बताना होता है पाथ कि आपको फोल्डर कहाँ और क्या बनाना है। तो जैसे जी ड्राइव में बनाना है हमें, तो वो मुझे कुछ इस तरह से देना होगा कि जी ड्राइव में जाइए 2022 का फोल्डर बना दीजिए। ठीक है, समझे सर? तो मैं सर आपको ये जी सर 2022 समझ आया सर। एक नाम का फोल्डर बना दीजिए, फिर जी ड्राइव के अंदर 2022 के अंदर एक नाम का फोल्डर के अंदर आप जो है थ्री नाम का। अच्छा सर, जितने फोल्डर हम बनाएंगे वैसे इसको पाथ देते रहेंगे, mkdir लिख के उसको पाथ देते रहेंगे, लास्ट लास्ट एक बार में एक ही फोल्डर बनाएगा और जो लास्ट में जो होगा वही बनाएगा, यहाँ तक वो पहुंचेगा और इसको क्रिएट कर देगा। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो फिर जब तक एक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये तो वर्क करेगा नहीं। जी जी। तो पहले ऊपर वाले को क्रिएट करेगा, फिर जाएगा यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर वो फिर इसको क्रिएट कर देगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ थ्री को क्रिएट कर देगा। हम सर एक बार में नहीं दे सकते तीनों? नहीं, वन बाय वन चलेगा, एक बार में एक फोल्डर। DIR सर क्या डायरेक्टरी है सर? हमें डायरेक्टरी। जी ठीक है जी सर। पर प्रॉब्लम यह है कि 2022 तो फिक्स हो गया ना सर, हमें तो यहां से उठाना था ना क्या? जी। तो कुछ नहीं करना है, हम कॉन्केट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे होता है कि आपका यहाँ पे g/ दिया हुआ है, लेकिन आपको पाथ पूरा करना है। जी जी, पाथ पूरा करना है। सेलेक्ट करेंगे n% में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जी जी। तो सेम चीज यहाँ करेंगे, तो ये डायरेक्टरी अपने आप बना लेगा सर इसके बाद यहाँ। अच्छा, वहीं पे आप वो भी लगा देंगे सर? वही लगा दिया ना। जी। अब ये सेम चीज में यहाँ उठा के रखेंगे 2022 तक का, आ गया। अब यहाँ पे n% देंगे और स्लैश, क्योंकि स्लैश तो होना चाहिए ना सर, स्लैश तो अपने आप लगेगा नहीं। जी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, m कर देंगे, हो गया। जी। और फिर इसको वापस हम कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते और यहाँ वापस n% स्लैश और फिर वापस हम d कर देते हैं, समझे? जी दिया, जी के बाद स्लैश करके ये लगा है, ठीक है, एंड की के साथ। हाँ। सारे सीक्वेंस दे दिए। ये क्या होगा कि जब ये मैच करेगा ना सर, ये हो जाएगा g/2022। ठीक है, जो भी वाई पे होगा, अगर 23 है तो 23 होगा। ऐसी ए हो जाएगा आपका। जी, ये जो हम सिंगल कोड लगा रहे हैं ना सर, ये क्या पता है इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, ये वर्ड ये कोड का पार्ट नहीं है। जी जी जी। ठीक है जी। ब्लू हो गया ना सर, देख रहे हैं ब्लू हो गया। जी। /1/3 समझ गया। ये अलग से देना पड़ेगा ये वाला ना, 2022/1/3? नहीं, तो मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ ना सर।
अच्छा कमेंट अच्छा है सर, एक क्या है कमेंट, वो तो ऑटो मोड में टुडे के फंक्शन से क्रिएट करेगा ना सर वहां पे। इसको देखिए ये जो इस तरह का कुछ भी लगा होगा ना कोड में, वो कोड कंसीडर नहीं होता, ये हम कमेंट के लिए लिख देते हैं, ये कमेंट के लिए लिख देते हैं। ओके सर, समझने के लिए ठीक है सर। और लिखना जरूरी भी नहीं है, आप इसको रीड कर दीजिए ठीक है, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा था कि आखिर होगा क्या। जी जी जी, तो समझ में आ गई आपको तीनों लाइन, मतलब कि आप इन तीनों लाइन की मदद से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूं, यहाँ देखिए इससे रन होता है, रन कर दिया, यहाँ पे 2022 का फोल्डर बन गया जी, इसके अंदर 1, इसके अंदर 3, क्लियर है जी। अब मुझे 3, अब सर एक छोटा सवाल था, ये हाँ टुडे का ही क्रिएट कर सकता है या जो हम दे दें वो भी क्रिएट कर सकता है? जो दे वो भी क्रिएट कर सकता है सर आप। लाइक जो हमने YMDD दिया है या यदि सीक्वेंस में हम फिट कर दें आपका जो देना दे दीजिए, जिससे पहले मैं दे रखा था ना मैंने। जी 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 ठीक है जी जी जी। इसलिए क्या ये ऑटो हो गया ना, ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो गया सर जी, कुछ दे देंगे तो फिक्स हो जाएगा। ओके सर, तो हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया राइट, अब मुझे फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करना है। ठीक है सर, तो फाइल क्रिएट करने का कोड क्या बताया था लास्ट क्लास में, हमने बताया था आपको वर्क बुक्स डॉट एड, भूल गए एड। ठीक है सर, अब मुझे इसी फाइल को सेव भी करना है, तो मुझे पता है कि सेव करना ही है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेव कर देंगे क्या जी, सेव एज, अब सेव एज में फाइल लोकेशन, तो फाइल लोकेशन में हमारा पाथ होगा यहाँ पे स्लैश और फाइल का नेम होगा 3 यहाँ पे 3.xlsx। ठीक है जी, ठीक लग रहा है आपको सर? लेकिन हाँ सर, फिक्स हो गया ना सर, तो जी क्या सर फिक्स हुआ कि नहीं सर? जी फिक्स हुआ, ये तो जो हम नाम लिख रहे हैं वही पे, वहीं पे जाए। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर ले लो एक कोड ले लूंगा तो यहाँ तक पहुंच जाऊंगा ना सर? जी जी, यहाँ तक पहुंच जाऊंगा जी, बट प्रॉब्लम है कि इसमें स्लैश नहीं है, एन परसेंट करके मैं स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके जगह पे 3.xls है तो 3 को डिलीट कर देता हूँ जी, और यहाँ पे 3 कहाँ से आ जाएगा, डी से आ जाएगा, समझे? नहीं सर, ये ही नहीं समझा। जी लगा जी, यहाँ पे जी है स्लैश, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको कमेंट में, यहाँ पे जी स्लैश क्या आ गया, वाई ने क्या दिया 2022 जी 22, फिर यहाँ पे स्लैश है दिख रहा है 3 दिया मंथ, फिर आता है मंथ, मंथ क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा ठीक है, डेट है स्लैश होगा ना पहले? जी जी जी, स्लैश स्लैश हो गया जी, फिर डे है क्या है 3 है, क्या है 3 है, 3 है, फिर स्लैश है जी, उसके बाद फिर डी क्या है 3 है, डी 3 है। ठीक है सर, 3 डाला, अब क्या है डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस हो गया। लाइक सर ये डे को ही फाइल नेम में बदल देगा जी। हाँ, आपके फाइल पास फाइल नेम कुछ और है तो कुछ और डाल दीजिए, जैसे मैं चाहता हूँ कंप्लीट डेट डालना जी, तो डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, डेट डाल दीजिए डी के जगह पे। ठीक है जी, हो गया जी सर, तो मेरा फाइल सेव हो गया जी। जो फाइल सेव हुई है उसको क्लोज करेंगे तो ओपन ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं, क्लोज करेंगे सर। तो यहाँ पे लिखे अब जो फाइल, अब यहाँ जो फाइल एड हुई है क्रिएट हुई है वही एक्टिवेट है जी, यहाँ डालेंगे एक्टिव फॉर वर्कबुक्स डॉट क्लोज, और इस पे ट्रू कर देंगे। ट्रू क्यों करेंगे, मैसेज देके सेव करें, मैसेज देके सेव करनी कि नहीं करनी? नहीं, ट्रू है वहाँ कि जो मतलब कि सेव करते हुए क्लोज करेगा जी। क्या लग रहा है, अब ये वर्क करेगा सर? वो रन कर गया, रन करना चाहिए सर? नहीं करेगा, जैसे रन करेंगे पूछेगा फाइल पाथ एक्सेस एरर, डिबग करेंगे तो सबसे पहले लाइन पे आकर उतर जाएगा।
क्यों? क्योंकि 2022 का फाइल फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक ड्राइव में एक नाम का दो फोल्डर थोड़ी बना पाएगा वो। हाँ यस सर, पहले से क्रिएट रहेगा तो नहीं बनाएगा। तो अब इस केसेस में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे तो स्किप करना है ना जी, अगर फोल्डर बना हुआ है स्किप करो इसको जी। तो उस केस में यहां लगाएंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, जैसे एरर हुआ वो स्किप करके यहां पे आएगा, यह एरर है स्किप करके यहां पे आ जाएगा, यहां भी एरर है स्किप करके यहां आ जाएगा, ओके समझे। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया कि भाई जिस लाइन में एरर है उसको तुम रन ही मत करो, उसकी अगली लाइन को रन करो। अब होता है क्या है कि आपका अगर एक कोड एरर दे दिया तो आगे कोड में वर्क नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाता है, बीवीए की प्रॉब्लम है, ठीक है समझे। जैसे कि स्टेट वायरिंग आपकी है, स्टेट वायरिंग है तो कहीं एक जगह आपका तार ब्रेक हो गया तो ओवरऑल बिल्डिंग की पावर चली जाती है क्या। लेकिन अगर सर्कुलर होता है क्या होता है, एक जगह से कटा हुआ कटा तो दूसरे जगह से ले लेता है जी, तो वो चीज यहां पे नहीं। तो ऑन एयर जूम करते थे क्या होता है कि उस लाइन को जंप करके वो अगले जंप करके अगले अगले नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपने इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और काम खत्म हो गया। एक इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, इसके लिए मैसेज बॉक्स लगाएंगे, MSG बॉक्स या लिखेंगे फाइल क्रिएटेड। अब इसमें जो लिखना चाहते लिख सकते हैं, ये मैसेज देता है जी, ठीक है जी। अब इसको रन क्या करेंगे, मैं चाहता हूं रन इसको एक बटन से करें जी, मेरे सीट थ्री पे बटन है। तो आप डेवलपर टाइम में आ जाइए, या दिख रहा होगा फॉर्म कंट्रोल जी, क्लिक करके एक बटन डिजाइन कर लीजिए, यहाँ पे माइक्रो सिलेक्ट कर लीजिए, असाइन माइक्रो का लिस्ट आएगा, असाइन माइक्रो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसको ओके कर, अब बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रन, ठीक है। अब माइक्रो रन करने के दो तरीके हो गए, एक तो आप माइक्रो डिस्प्ले जाके माइक्रो को रन कर सकते हैं, या बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं, या ऑप्शन पे जाए शॉर्टकट बना दे तो शॉर्टकट के थ्रू रन कर सकते जी, राइट। शॉर्टकट यहाँ अपना कुछ भी बना सकते हैं इसको प्रोजेक्ट करने के लिए जी। सर कुछ पूछना है सर, पूछिए सर। जब हम कोई न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तो ये जो मैक्रो हमने बनाया है ये क्यों नहीं शो होता है उसमें, न्यू वर्कबुक समझे नहीं। जैसे हम कोई मैक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं और जब हम उसको क्लोज कर देते हैं और एक्सेल को नई वर्कबुक ओपन करते हैं तब हम चाहते हैं ये, जैसे यहाँ पे मैक्रो शो हो रहा है, इसलिए आपको सर याद नहीं बताया था आपको कि मैक्रो जिस मैक्रो में जिस फाइल में रिकॉर्ड होती है मैक्रो उसी फाइल में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कोडिंग उसकी स्टोर तो उसी फाइल में ना। अच्छा सर, पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड करते से पर्सनल मैक्रो करेंगे ना तो हर फाइल में रहेगा फिर, लेकिन किसी फाइल के साथ किसी को भेज नहीं सकते, सिर्फ आपके सिस्टम पे रहेगा। अच्छा, अभी जो बना है ये मैं आपको भेजूंगा तो आप इस पे वर्क करेंगे, ठीक है जी सर। मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आ गया ना फाइल क्रिएटेड एंड क्लोज कर दिया। अब देखिए दो जगह फोल्डर आ गया, 1, 3 और ए के नाम का फाइल, ठीक है सर जी। तो एक कोड मैं आपको भेज दूं जी सर, भेज दीजिए, एक कोड मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। अब आप जो है इसमें अपने हिसाब से चेंजिंग करके अपने सिस्टम पे रन करके देखिए, ठीक है सर जी। सर अपने सिस्टम पे रन करके देखिए, ठीक है सुधीर जी। सर आज सर थोड़ा समझ आया सर आज, हाँ ऐसे आएगा धीरे धीरे।